अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन का नाम सुना है? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन साइकोलॉजी और साइकोथेरेपी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। तो ये क्या करती है, ये डिजीजेस, मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह को स्टडी करती है, इसके ऊपर रिसर्च सर्वे वगैरह करती है। तो इन्होंने 2016 में सर्वे किया था, 2016 की बात हो रही है, तब सर्वे किया था, और इन्होंने बोला कि 40% से ज्यादा अमेरिकन्स को हर साल डिप्रेशन होता है। ये तो हो गई 2016 की बात। अभी 2020 में अगस्त में, आई थिंक 28 अगस्त को टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक सर्वे किया, और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला 43% ऑफ इंडियंस को डिप्रेशन है, हाई और माइल्ड लेवल ऑफ एंजाइटी भी है। तो डिप्रेशन और एंजाइटी अब इंडियन सोसाइटीज में बढ़ता चला जा रहा है, और इसके पीछे बहुत सारी वजह है यार। और कुछ वजह जो मुझे बहुत बड़ी लगती है वो होती है प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर। ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है इंटरनली तुम्हें इतना दबा देता है। तुम्हारी एज क्या है, अगर तुम्हारी एज 18 से 25 के बीच में है तो तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है कि तुम्हारी कैपेबिलिटी, तुम्हारा वर्कलोड, तुम्हारे एफर्ट्स, ये सब उस प्रेशर के नीचे दब जाते हैं। तो असल में डिप्रेशन एक स्टेट ऑफ माइंड है, डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर जरूर है, लेकिन डिप्रेशन एक मेंटल स्टेट भी है, और डिप्रेशन में घुसा जा सकता है तो डिप्रेशन से निकला भी जा सकता है। डिप्रेशन एक बिलीफ सिस्टम पे वर्क करता है, पता है डिप्रेशन इसी चीज पे तो फलता फूलता है कि तुम बिलीव करना छोड़ दो अपने ऊपर, तुम ये मान के बैठ जाते हो कि जो मेरी लाइफ की कंडीशन आज है वही फाइनल है, तुम ये मान के चलते हो कि मेरी लाइफ इससे डाउनग्रेड ही हो रही है, तुम बिलीव करना छोड़ देते हो। पॉजिटिविटी तो बाहर ही चली जाती है, नेगेटिव एनर्जी इतनी भर जाती है, इतनी फैल जाती है कि वो तुम्हारे थॉट्स और एक्शंस को मैनिपुलेट करने लगती है। भाई जब डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन बहुत टाइप का होता है, ठीक है, लो ग्रेड हाई ग्रेड डिप्रेशन होता है, ऐसा नहीं कि तुम डिप्रेशन में हो तो सीधा सुसाइड करने के थॉट्स आ जाए, वो बहुत हाई लेवल है। डिप्रेशन जो लो लेवल होता है, जो स्टार्ट ही हो रहा होता है, उसमें क्या होता है, लोगों को बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, जो पहले 6-7-8 घंटे में काम अच्छा कर लेते थे वो आज सारे सारे दिन सोते हैं, आलस आ जाता है, दोस्तों से नहीं मिलना चाहते, वर्कआउट खाना पीना बिगाड़ देते हैं, या तो बिंज ईटिंग करेंगे बहुत ज़्यादा, या घर का खाना खाना ही छोड़ देंगे, पानी वानी पीना छोड़ देते हैं, नहाना साफ सफाई रखना छोड़ देते हैं। लोग उन चीज़ों से जिनसे उन्हें पहले प्लेजर मिलता था, पहले हैप्पीनेस मिलती थी, जैसे खेलना, बात करना, कम्युनिकेट करना, वो सब छोड़ देते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते। ये सारी चीज़ें होती हैं एक डिप्रेस्ड पर्सन के माइंड के अंदर, और ये स्टीरियोटिपिकल आंसर है, पता है, जरूरी नहीं कि तुम डिप्रेस्ड हो तो यही सब हो। अगर तुम डिप्रेस्ड ना भी हो तो भी ये हो सकता है, और डिप्रेस्ड हो तो हो सकता है कुछ और चीज़ें भी चल रही हो तुम्हारे अंदर, लेकिन वो सारे तुम्हारे थॉट से ट्रिगर होता है। तुम्हारे थॉट जो तुम्हें कहते हैं कि यू आर नॉट सफिशिएंट, यू आर गिल्टी ऑफ आउटकम्स, यू आर नॉट वर्दी टू अचीव थिंग्स, तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तू फेलियर है, तेरी लाइफ बस गिरती चली जाएगी, तू जितना काम कर ले तू इससे बाहर नहीं उठ सकता, तेरे दोस्त तुझे पसंद नहीं करते, तेरे घर वाले तेरे पे ट्रस्ट नहीं करते, तेरे घर वाले तेरे से कभी प्राउड नहीं होंगे, तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़ के चली गई क्योंकि तू लूजर है, ये सारे थॉट्स असल में एक नेगेटिव एनवायरमेंट क्रिएट कर देते हैं जो तुम्हारे पॉजिटिव थॉट्स को ब्लॉक कर देता है। तुम्हारा दिमाग इन्हीं थॉट में जंप मारता रह जाता है और तुम्हारे फिजिकल एस्पेक्ट को कंट्रोल करने लग जाता है। इससे तुम रियलिटी के फाइबर को बदलने लग जाते हो। सच्चाई में वो बातें उतनी बुरी नहीं होंगी जितनी तुम्हें उस समय लगने लगेंगी। डिप्रेशन इसलिए अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन साइकेट्रिक सोसाइटी भी कहती है, और इंडियन हेल्थ अवेयरनेस सोसाइटी भी यही सब कहती है कि डिप्रेशन अब प्रीवेलेंट होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में, और एक बहुत सीरियस डिजीज है, एक सीरियस मेंटल इलनेस है। तो डिप्रेशन से कैसे बच सकते हैं, कैसे बाहर आ सकते हैं? तो पहली बात, अपना बिलीव सिस्टम बदलो। तुम दूसरों पे और एक्सटर्नल चीज़ों पे बिलीव करना छोड़ ही दो, अपने पे बिलीव रखो। दूसरी चीज़, डोंट गिव अ फक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अबे तुम अगर उन चीज़ों से इफेक्ट ही नहीं होंगे जो दोस्त बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं तुम्हारे बारे में, तो तुम एक्सटर्नल चीज़ों को तुम्हारे इंटरनल माइंड और थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं करने दोगे।
तीसरी चीज, खाना पीना इम्प्रूव करो, बाहर का खाना थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, घर का खाना खाओ, फ्रेश खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ। इसके अलावा हाइड्रेटेड रहो, दोस्तों से इंटरेक्ट करो, अपनी फीलिंग शेयर करो, तुम्हें रोना आ रहा है रो, हंसना आ रहा है हंसो, जो करना है करो, दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करो और इमोशंस को फ्लो होने दो, क्योंकि इमोशंस जब भर जाते हैं एक डब्बे में बंद हो जाते हैं, तुम्हारे माइंड के लॉकर में फंस जाते हैं, तो वो इमोशंस तुम्हें अंदर से खुजली मचाते हैं, वो इमोशन तुम्हें पॉइंट आउट करते हैं कि तू ठीक नहीं है। तो इमोशंस को कैप्चर करने से अच्छा फ्लो होने दो। वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, खुली हवा में जाओ, धूप में रहो, भागो, स्विमिंग करो, रनिंग करो, दोस्तों से मिलो, इंटरेक्शन करो, फ्रेश एयर लो। लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपनी मेंटल हेल्थ को तुम दूसरों के एस्पेक्ट से ऊपर रखो। इसका मतलब पास्ट की कोई मेमोरी है, या पास्ट में अगर कुछ हुआ, या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ, किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, या कुछ भी हुआ, लेट इट गो, क्योंकि उसको हार्बर करके रखने से, उसको स्टोर करके रखने से वो तुम्हारी बाकी चीज़ों को पॉइजन करेगा। क्योंकि उसके बेसिस पे अगर तुम अपनी सारी चीज़ें जज करने लग गए, एक बुरे इंसिडेंट के बेसिस पे तुम सारी चीज़ें जज करने लग गए, तो तुम्हारे थॉट्स नेगेटिव हो जाएंगे, और फिर आज जिस एक चीज़ की वजह से तुम्हें इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारे थॉट तुम्हारे फिजिकल काम के ऊपर बाधा लाएंगे, फ्यूचर में वही चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, वो एक चीज़ जो आज तुम्हें परेशान कर रही है फ्यूचर में 10 हो जाएंगी, और तब क्या होगा, तब तुम्हारा लो ग्रेड डिप्रेशन एक हाई ग्रेड डिप्रेशन में बदल जाएगा, और तब आता है सुसाइड और एंडिंग लाइफ वाले थॉट्स। तब डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि तुम्हें एंटी डिप्रेसिव या एंटी एंजाइटी वाली पिल्स लेनी पड़ती है, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, एसेंशियल हो जाता है। वहां तक मत जाओ, पहले अपने आप को रोको, अपने थॉट्स पे काबू पाओ, ये तुम्हारा माइंड है, तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो, पॉजिटिविटी की तरफ पहुंचो और तुम इन सबसे बच पाओगे।